पीटीटी एग्जाम 2019 की परीक्षा आज आयोजित हो रही है पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर। 5.5 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा के अंदर बैठने वाले हैं। हमारे भी किसी परिचित ने फोन किया रात को परमिशन लेटर निकालने के लिए। गांव के लोग थे, इंग्लिश वर्जन उनको पता था नहीं, तो आजकल मोबाइल के अंदर गूगल का जमाना है। एंड्रॉइड पर हमने अपना पीटीटी की जो वेबसाइट डाली और हिंदी वर्जन जब चेक किया तो वो चेक करते ही हमारी आंखें चौकन्नी रह गई, क्योंकि जो इस कॉलेज इस परीक्षा को कंडक्ट करवाने वाली जो एजेंसी है, नोडल एजेंसी डूंगर कॉलेज बीकानेर, इस परीक्षा को कंडक्ट करवा रही है। लेकिन जब हिंदी की वर्जन वाली वेबसाइट हमने खोली तो उसका नाम आ रहा है गोवर्धन कॉलगल बीकानेर। हमको लगा ये पता नहीं क्या है, फिर वापस 3-4 बार चेक की तो सेम ये गलती उसके अंदर आ रही है। और जब परीक्षार्थी का हमने प्रवेश पत्र खोलना चाहा, चालान नंबर डालकर, रोल नंबर डालकर, तो उसके अंदर इतनी भारी गड़बड़ियाँ इस वेबसाइट के अंदर देख रखी हैं, मतलब पब्लिक इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हुई। वीक्षक के नाम के स्थान पर इन्होंने लिख रखा है संचालक के हस्ताक्षर, केंद्र आपूर्ति के हस्ताक्षर, जबकि केंद्र आपूर्ति का कोई मामला ही नहीं होता है। केंद्र आपूर्ति कोई यहाँ पर कोई गोदाम खोल नहीं रखा है इस एजेंसी ने, जो आपूर्ति यहाँ पर कर रहे हैं किसी चीज़ की। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर के जहाँ पर परीक्षार्थी का नाम लिखना चाहिए वहाँ इन्होंने उम्मीदवार का नाम लिख दिया है, जबकि वहाँ पर परीक्षार्थी का नाम होना चाहिए। लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, इस हिसाब से क्या पता डूंगर कॉलेज ने भी उसको उम्मीदवार का नाम कर दिया, लोकसभा के चुनाव में रंगने की कोशिश करी है। मैं राजस्थान सरकार और शिक्षा मंत्री से मांग करता हूँ इस पूरे मामले के अंदर खुद पर ये जिम्मेदारी ले, क्योंकि हर चीज़ में शाबाशी लेने ये लोग आगे आ जाते हैं। एक तरफ भारत सरकार अपने सारे सरकारी कामकाज को हिंदी भाषा के अंदर करने का प्रयास कर रही है, दूसरी ओर राजस्थान सरकार और बीकानेर का ये डूंगर कॉलेज हिंदी की इन्होंने तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। 14 सितंबर हिंदी दिवस, क्या सिर्फ हिंदी दिवस एक दिन ही मनाना चाहिए क्या? हिंदी की इतनी ज़्यादा गलतियाँ को देखते हुए राजस्थान का आज विद्यार्थी परेशान हो रहा है। हमने दूसरे परीक्षार्थियों से अन्य जिलों में भी बात करी कि इस प्रकार की गड़बड़ी आ रही है, तो विद्यार्थियों का परेशान थे, वो तो निराश हो रखे थे कि भैया हिंदी के अंदर हमें गड़बड़ी आ रही है, इसलिए हमने मजबूरी में इंग्लिश का परमिशन लेटर डाउनलोड किया और हमने प्रिंट निकलवाया। क्योंकि आज विद्यार्थी क्या करता है, अपने फ़ोन के ऊपर वेबसाइट का नाम डालकर, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, नेट हो, MDS यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, UPSC का एग्ज़ाम हो, अपने फ़ोन के ऊपर वो अपलोड करता है, स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट आउट निकलवा लेता है। इस पूरे मामले के अंदर राजस्थान के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और नोडल एजेंसी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हम मांग करते हैं। मैं मोहित जैन, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, MDS यूनिवर्सिटी एजुकेट।